Good morning dear students. In previous video we discussed some basics of units and measurement. In this video we are going to discuss what is the system of units and where these system are used. So first of all we will start from our next topic, system of unit. What is the system of unit? सिस्टम ऑफ यूनिट है फोर टाइप्स. देखो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आदियाँ फोर टाइप्स आ फोर टाइप आप डिस्कस कर रही हैं. सारे पहला अपने को जो सिस्टम ऑफ यूनिट आंदा की है, सिस्टम ऑफ यूनिट के अपने फंडामेंटल से डराइव्ड यूनिट का उन्होंने एक सैट से आप कंबाइन करता का उसको आप सिस्टम ऑफ यूनिट बोल दें. हुण ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट आ ये अपने कोल चार तरह के आ सिस्टम ऑफ यूनिट. पहला हैगा अपने कोल एफ पी एस सिस्टम, जो पहला चलते सी ते जो हुण चलते आ उन्हां नूं आपां डिस्कस करना. पहला सारे नालों पहला अपने कोल हैगा एफ पी एस सिस्टम. हुण इहदे विच की आ जो स्टार्टिंग दे विच आपां प्रीवियस वीडियो दे विच डिस्कस किया सीगा कि अपने को स्टार्टिंग से थ्री फंडामेंटल यूनिट से केड़े केड़े मीटर किलोग्राम ते सेकंड ते थ्री फिजिकल क्वांटिटी सीगियां केड़ी केड़ी लेंथ मास टाइम का. हुण उन्ना सिस्टम नूं आपां उन्ना फंडामेंटल क्वांटिटी नूं किहदे विच मेजर करदे सीगे उसनूं आपां कहिंदे आ सिस्टम ऑफ यूनिट. देखो हुण अपने को तीन सीगियां फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ ते टाइम. हुण इहदे च की होगा एफ पी एस सिस्टम दे विच की सीगा कि जिहड़ी लेंथ सी उहनूं आपां फुट दे विच मेजर करदे सी. एफ दा मतलब इत्थे की आ फुट. पहला फुट दे विच नापदे सीगे किसी भी चीज़ नूं, एक फुट दो फुट इन्ने फुट. उस तों बाद नैक्सट अपने कोल आ जांदा लेंथ सी जिहड़ी लेंथ नूं मेजर करते सी लेंथ नूं फुट दे विच मास आ जिहड़ा मास नूं करते सी पाउंड च का 400 समथिंग ग्राम हुंदा वा 400 कुछ ग्राम हुंदा एक पाउंड ते ओह जिहड़ा मास हैगा पाउंड दे विच मेजर करदे आ ते टाइम नूं सेकंड दे विच. इह सीगा अपना एफ पी एस सिस्टम. कि एफ पी एस सिस्टम दे विच की हुंदा सीगा लेंथ नूं फुट दे विच मेजर करदे सी आपां मास नूं पाउंड दे विच टाइम नूं सेकंड दे विच. सेकंड जो अपना सिस्टम आ सीजीएस सिस्टम. हुण सीजीएस सिस्टम दे विच की सी जो अपनी लेंथ सी उहनूं सेंटीमीटर च मास नूं ग्राम च ते टाइम नूं उसे तरह सेकंड दे विच ही मेजर करदे सी आपां. ठीक है जो अपना सी जी एस यूनिट आदि जो भी आप सी जी एस यूनिट की गल करते हैं सी जी एस यूनिट के हमेशा की करेंगे आप जो अपनी लेंथ आनू सेंटीमीटर के मेजर करना मास उन्होंने ग्राम से टाइम आ जोड़ा वो सैकेंड. फोर्थ जो अपने को सिस्टम ऑफ यूनिट आ थर्ड एम टी एस सिस्टम. एम टी एस सिस्टम एम टी एस सिस्टम दे विच की सीगा जिहड़ी लेंथ आ उहनूं मीटर दे विच मास आ किलोग्राम च जो टाइम आ उह सैकेंड दे विच मेजर करदे सी आपां. ठीक है एम टी एस सिस्टम दे विच लेंथ नूं मीटर च मास नूं किलोग्राम च ते टाइम नूं सैकेंड दे विच. फोर्थ जो सिस्टम ऑफ यूनिट आ एस आई सिस्टम. इसनों आप बोल दें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल दें. ठीक है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है इंटरनेशनली एक्सैप्ट किए हुए हैं. और ये की सी एस आई सिस्टम के मॉडिफाई फॉर्म आ कि एम के एस सिस्टम. ठीक है ये एम के एस सिस्टम अगे होर मॉडिफाई करता उसनों आप कह दें सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मतलब आ तिना लेंथ दे मीटर ही रहेंगे मास दे किलोग्राम ही रहने टाइम दे सेकंड ही रहेंगे यूनिट.
अगे फर्दर इन्हों होर मॉडिफाई करता कुछ नवी क्वांटिटी ऐड करके उन्हों आप कह दें एस आई सिस्टम। हुण इहदे लई आपां टेबल बनाउणा पैणा सारा डिटेल दे विच। इहनू दो पार्ट च डिवाइड किया, एक तां सीगे फंडामेंटल यूनिट्स एस आई सिस्टम नूं टू पार्ट्स च डिवाइड करता आपां फंडामेंटल यूनिट्स दूसरे आ सप्लीमेंटरी यूनिट। पहला आप फंडामेंटल यूनिट्स देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स की होंगे। फंडामेंटल यूनिट्स आप स्टार्टिंग जो चैप्टर स्टार्ट किया उदो देखा सी आप कि फंडामेंटल यूनिट्स सिर्फ थ्री सी, ठीक है, मीटर केड़े सी मीटर किलोग्राम ते सैकंड ते क्वांटिटी भी फिर तीन ही सीगियां। हुण अपने को एस आई सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट सैवन हो गए। आप टेबल देखो बनावे पहला फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स ते सिंबल, ये तीन कॉलम बनने अपने को फंडामेंटल यूनिट के एस आई यूनिट के थ्री कॉलम बनावे। आप पहले च फिजिकल क्वांटिटी फिर इन्हों यूनिट की होने के सिंबल पहला तो सेम हो ही लेंथ आ कॉमन ही आ मास टाइम इन्हों यूनिट भी आप पढ़े हुए हैं मीटर मीटर आप स्मॉल एम का डिनोट करते हैं मास ने किलोग्राम के जी ना डिनोट करते हैं टाइम के सैकेंड एस के नाल डिनोट कर। इस तो इलावा चार होर फंडामेंटल यूनिट्स ये ऐड हुए और तैयार किए आ टैंपरेचर करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी ते लास्ट के क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये अपने को सैवन फंडामेंटल क्वांटिटीज टैंपरेचर करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी ते क्वांटिटी ऑफ मैटर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होंगी आ कि किसी भी चीज़ की किन्ने एरिए उत्ते किन्नी पावर, ठीक है, जिवें आपां लाइट की गल करते हैं लाइट के जिन्नी ज़्यादा नेड़े जावांगे उहदी पावर उन्नी ज़्यादा होगी, रोशनी वध हुंदी आ उहदी उन्नी ज़्यादा, जिथे रोशनी ज़्यादा उहदे नेड़े होगी उस एरिए उत्ते उहदी इंटेंसिटी कह देंगे आपां किन्नी, ठीक है। और देखो टैंपरेचर के जो यूनिट्स वो केल्विन कैपिटल ए दे नाल डिनोट करते हैं अपना करंट दे एम्पीयर कैपिटल ए दे नाल डिनोट करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी दे कैंडीला इनू कैंडीला च मेजर करते हैं सी डी ते क्वांटिटी ऑफ मैटर दे मोल इनू आपां डिनोट करते हैं एम ओ एल। ये टेबल बनूगा अपने को, ठीक है, अपने को एस आई यूनिट के फंडामेंटल यूनिट सी उस सत्त फंडामेंटल यूनिट्स आने टेबल आना यूनिट से सिंबल तो दो होर आप गल की सैकेंड ये फंडामेंटल से ये जेडे सैकेंड यूनिट आ उन्होंने आप कह दें सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ये जो सप्लीमेंटरी यूनिट्स आ यह दो ही आ सिर्फ वो दोवें एंगल के नाल रिलेटड कि आप एंगल को कि मैजर करते हैं इन्हों देखो टेबल की बनू उस तरह पहला फिजिकल क्वांटिटी दूसरा यूनिट ते सिंबल अपने को सिर्फ दो ही फिजिकल क्वांटिटी आ पहली है प्लेन एंगल दूसरी आ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल ते सॉलिड एंगल और इन्होंने यूनिट्स की आ जिहड़ा प्लेन एंगल आ उहनूं आपां रेडियन च मैजर करते हैं सॉलिड एंगल नूं सी रेडियन च प्लेन एंगल नूं रेडियन ते सॉलिड एंगल नूं सी रेडियन इन्हां दे सिंबल की आ
आर ए टी इन स्टी रेडियन एस आर डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अपने को दो सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ठीक है, अपने को एस आई सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एस आई यूनिट, ये सात फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं, दो सप्लीमेंटरी यूनिट्स आते हैं। हम इन सारे आप इन दोवों डिफाइन करना कि रेडियन के स्टी रेडियन की होंगे है। हम रेडियन के स्टी रेडियन अपने को इन्होंने डेफिनेशन कर लगे आप रेडियन देखो आप रेडियन कि यूनिट आ प्लेन एंगल दे। हम आप मैथमैटिक्स जो एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, चाहे वह डी के नाल कीता वा चाहे आप किसी होर के नाल, मतलब जो आप एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वह एंगल जो कॉपी के उत्ते ड्रॉ किया प्लेन एंगल होंदा वा। ठीक है, जो कॉपी के उत्ते आप ड्रॉ किया प्लेन एंगल के जो यूनिट आप रेडियन के हम आप डिफाइन करना कि एंगल जो आप कह दिता वो यूनिट रेडियन आ। वन रेडियन होंदा की है, कदों बनता वो एंगल। ठीक है, देखो इस तरह वन रेडियन एंगल पहला रेडियन इक्वल टू जो एंगल की डेफिनेशन एंगल जो होंदा एंगल का फॉर्मूला देखो फॉर्मूला की है आर्क ओवर रेडियस फॉर्मूला होता है एंगल का आर्क ओवर रेडियस जो एंगल को डिफाइन करना आर्क समझते हैं सारे कि जिमें अपने को कंपस आ कंपस के नाल आप इस तरह कोई सर्कल ड्रॉ करते पे हैं। ठीक है, आ जो सर्कल का कोई भी पार्ट चूज कर लो उन आप आर्क कह देते हैं। ठीक है, तो हम आप दसना कि जो वन रेडियन आ कदों बनता एंगल आप कहता ये जो एंगल आते बनता वा सर्कल के सेंटर से बनता एंगल देख लो सपोज कर लो थीटा एंगल सर्कल के सेंटर से पर आप कहना कि आ जो एंगल आ वन रेडियन कदों होगा जो सर्कल के सेंटर से बनेगा वो एंगल वन रेडियन कदों होगा आ फॉर्मूला देखो ये गलत वन रेडियन होनी चाहिए आ चीज कदों वन बनूगी जो दोवे इक्वल हो पॉसिबिलिटी है जो डिवीजन वाली दो चीज़ा इक्वल हो उदो ही तो आंसर वन आऊगा। यदा मतलब जी एंगल वन रेडियन बनना चाहिए सेंटर से उसके दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप देखो की करेंगे कि जी लेंथ लेंथ आर्क की ए बी आई जी आर्क लेंथ जिनी भी वो किदे इक्वल हो जाए रेडियस के इक्वल हो जाए जो रेडियस तो आर्क इक्वल हो जूगी उस वेले जो सर्कल के सेंटर से एंगल बनूगा कि होगा वन रेडियन का एंगल होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन देखो की है कि एंगल सस्पेंडेड एट द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हूज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, कि सर्कल के सेंटर से बनया वो एंगल किने बनाया किसी आर्क ने उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए है रेडियस ऑफ सर्कल दे इक्वल होनी चाहिए मतलब जो आ दोवें इक्वल हो गए रेडियस से आर्क उस टाइम के उत्ते जो एंगल बनेगा सेंटर के उत्ते आप कहेंगे वन रेडियन। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन कि वन रेडियन होंदा की सेकेंड हम आ गया सॉलिड एंगल यदा सी प्लेन एंगल की गल हुण सॉलिड एंगल की आ थ्री डायमेंशन दे विच बनता वा सॉलिड एंगल जिहड़ा। ठीक है, वह हमेशा थ्री डायमेंशन दे विच बनता वा जिवें फुटबॉल हो गया या कोई बॉल हो गई। ठीक है, उस स्फीयर दे विच जिहड़ा एंगल बनूगा सेंटर ते उस एंगल नूं आपां कहिंदे आ सॉलिड एंगल। हुण इहनूं डिफाइन करना आपां सॉलिड एंगल नूं इहदी डेफिनेशन देखो की होगी सॉलिड एंगल नूं कैसे डिफाइन करना और जो भी आप सॉलिड एंगल को डिफाइन करना वो थ्री डायमेंशनल एंगल होगा कोन की फॉर्म के जिस तरह आइस आइसक्रीम का कोन होंगे। ठीक है, आइसक्रीम के कोन की शेप जो आप किसी स्फीयर के उपरों कोई एरिया कट करता। ठीक है, सपोज कर लो अपने को स्फीयर आप छोटा जहा पार्ट कट कर लिया जो
ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਦਾ ਕੀ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਫਰੋਮ ਸਫੀਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ 160 ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਫੇਰ ਕਿ ਆ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ 160 ਰੇਡੀਅਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 160 ਰੇਡੀਅਨ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 160 ਰੇਡੀਅਨ ਕਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਸ ਪੈਰਲਲ 2 ਮੀਟਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4 ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ 160 ਰੇਡੀਅਨ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਓਮੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਦੀ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਣਦਾ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 60 ਰੇਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਆ ਔਰ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਠੀਕ ਆ ਉੜਾੜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 7 ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਆ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਆ ਔਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਆ ਚਾਹੇ ਐਨਰਜੀ ਆ ਹੀਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਜਾਊਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਆ ਚਾਹੇ ਐਨਰਜੀ ਆ ਚਾਹੇ ਹੀਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ 'ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
पर जो अपना एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, रैशनल का मतलब की है कि सिर्फ एक क्वांटिटी के लिए कला इको यूनिट यूज होगा, वो किसी होर का यूनिट नहीं होगा। जिमें एसआई सिस्टम के एनर्जी के जोड़े यूनिट्स आ जाऊल वो होर किसी के नहीं होने एसआई सिस्टम के, कल एनर्जी के ही हो। पर जोड़े दूजा सिस्टम आ जिमें एम के एस की गल की आप उस होंगे वा वर्क एनर्जी तो हीट के तिना के यूनिट ही जाऊगा, ये कल एक क्वानिटी के कल एक यूनिट ही होगा, उन्होंने आप कह दें रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दे दें। थर्ड की है ये मीटरिंग सिस्टम आ। मीटरिंग सिस्टम का मतलब कि आप इन्हों 10 की पावर के रीप्रजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिमें अपने को 1000 मीटर आप इस तरह लिख सकते 10^3 मीटर, ठीक है। इन्हों आप 10 की पावर के भी रीप्रजेंट कर सकते हैं। उस तो बाद फोर्थ ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। इन्हों इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया वा, ठीक है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड ही यूनिट सारे कितने सेम ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। फिफ्थ क्लोजली रिलेटेड टू एसआई यूनिट्स, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम के नाल क्लोजली रिलेटेड आ। क्लोजली रिलेटेड का मतलब की आ, आप एसआई यूनिट्स नू ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं सीजीएस सिस्टम के विच। देखो कि जिमें आप किलोग्राम की गल की सी, मीटर की गल की है, किलोग्राम को चेंज करना ग्राम से, आप पता कि ग्राम होंगे 1000, ये कन्वर्ट हो गया सीजीएस तो एसआई तो सीजीएस के राम के नाल चेंज हो गया। तो मीटर को सेंटीमीटर जो बदलना 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एक दूजे न रिलेटड हो गए ना, ये कि जोड़ा किलोग्राम आ 1000 ग्राम के इक्वल होंगे, जोड़ा मीटर आ वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। इस करके आप कहने कि जोड़े एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लोजली रिलेटेड आ कि सीजीएस सिस्टम के नाल। इसलिए अपने को एडवांटेज कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स दियाँ, पहला भी सी कोवेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट आ, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आ, मीट्रिक सिस्टम आ, इंटरनेशनली एक्सैप्ट किए आ, लास्ट के क्लोजली रिलेटेड से कि सीजीएस सिस्टम के। सो ये अपना अज का टॉपिक जिसे आप डिस्कस किए सिस्टम ऑफ यूनिट्स की होंगे आ। उस तो बाद इन दोवों डिफाइन किया रेडियन ते स्टी रेडियन, तो लास्ट के आप दसिया कि जो एस आई सिस्टम आ उसकी एडवांटेजेस की सी। अज का टॉपिक, थैंक।